श्रीमद् भागवतम कैंटो चौथा अध्याय 28 और श्लोक संख्या 14। तो जिस प्रकार जंगल में अग्नि लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वे नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के इच्छुक के लिए इच्छुक हो उठा। तो ऐसी स्थिति आ जाती है जीवात्मा की कि जिस शरीर से वो जीवात्मा पूरे जीवन में अटैच रहता है, अंत में ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसी शरीर से वो निकलने के लिए बेताब हो जाता है, क्योंकि शरीर में रहना इतना बड़ा कष्ट हो जाता है वास्तव में। जैसे कहते हैं कि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू के काटने का दर्द होता है, पीड़ा होती है मानसिक तो और भौतिक शारीरिक, लेकिन कई लोग फिर भी आत्महत्या करते हैं। तो कितने सोचने की बात है कि आत्महत्या करना अपने आप में कितना पीड़ा होगा। इसका मतलब उस शरीर में रहना, 40,000 शरीर को छोड़ने से जो कष्ट होता है उससे ज्यादा कष्ट शरीर में रहना हो जाता है। तभी तो लोग कर देते हैं कई बार ऐसा, वो कष्ट इतना ज्यादा है कि उनसे रहा ही नहीं जा रहा है। बहुत मुश्किल काम है वास्तव में ये करना, तो ये करना तो बिल्कुल सही काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये बता रहे हैं कि शरीर की ऐसी जर्जर हालत हो जाती है कई बार कि व्यक्ति को कहता है कि मेरे प्राण कब निकलें, और प्राण निकलते ही नहीं। तो जिस वस्तु से हम कई बार बहुत अटैच हो जाते हैं वही वस्तु हमारी घृणा का सोर्स बनती है। इसलिए अटैचमेंट सिक्के का दूसरा पहलू है, जैसे हेड के साथ टेल है उसी तरह से ये जो अटैचमेंट है ये घृणा का ही एक दूसरा रूप पैदा करता है। जिस चीज़ से हम अटैचमेंट हो जाती है बिना फिलोसॉफिकल अटैचमेंट, मतलब शास्त्रों के आधार पर अटैचमेंट नहीं करते हैं, टेम्परेरी चीज़ों में अटैचमेंट करते हैं, तो वही टेम्परेरी चीज़ हमारी घृणा के कारण या दुख का कारण बनती है। ये कहते हैं हमारे दुख का कारण वास्तव में ये मोह ही होता है, अटैचमेंट ही होती है। जितनी ज़्यादा अटैचमेंट संसार की अलग अलग चीज़ों से उतनी ज़्यादा दुख। तो यही शरीर जो हमें इतना प्रिय था वो ऐसा हो जाता है जैसे कि जिस पेड़ की पेड़ में कई बार खोखली जगह होती है, उस खोखली जगह पे या चिड़िया ने घोंसला बनाया कुछ बनाया उसमें जाके सांप रहने लगता है, लेकिन जब आग लगती है जंगल में तो उसके ताप से सांप निकल के भागता है उसमें से। लेकिन क्या करे, बाहर निकल के वो फिर से भस्म हो जाता है क्योंकि चारों तरफ आग लगी है, वो भाग ही नहीं सकता है। उसी तरह से जीवात्मा यहाँ पे बता रहे हैं जो प्राणवायु था, जो सर्प है, पुरंजन की नगरी में, जो कि क्या है वास्तव में प्राणवायु, जो जब तक है तब तक वो जिंदा है, बाकी शरीर को तो नष्ट भ्रष्ट कर ही चुके हैं काल ने, यवन और उसके साथीगण काल कन्या इत्यादि ज्वर इत्यादि, लेकिन अभी भी प्राणवायु शरीर के अंदर है, वो सर्प अभी भी है। अब बता रहे हैं जब तापमान बढ़ने लगा शरीर का, जैसे हमने सुना था 107 तक जाता है उसके बाद तो व्यक्ति चला ही जाता है, तो जब ये तापमान बढ़ने लगा जैसे जंगल में आग में बढ़ता है तो धीरे धीरे ये सर्प बिच्छू निकल के भागते हैं, उसी तरह से अब ये सर्प जो है प्राणवायु अब शरीर को छोड़ना चाह रहा है। इसी शरीर में उसने पूरे जीवन भर रहा है, वो सांप भोगा है अलग अलग चीज़ें, लेकिन अब क्या करें, ये शरीर काम का ही नहीं रहा, ऐसा ही होता है, ये डेटीरियोरेटिंग आइटम है, डेप्रिशिएटिंग आइटम है, इसमें डेप्रिशिएशन लगता ही है। इसलिए तो कहते हैं कि जब हमें पक्का पता है कि शरीर का नष्ट होना है, नाश होना है, तो इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करके, इसमें इतना समय बिता के हमें अटैचमेंट पैदा हो ही जाती है। ऑब्वियस है, जिस चीज़ में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उससे ज़्यादा उतनी अटैचमेंट होगी। तो ये निश्चित है कि ये बिल्कुल बेकार हो जाता है एक समय आने पर, और हम चाह कर भी इसको रोक नहीं पाते हैं, आत्मा को इसके शरीर के अंदर रख नहीं पाते हैं क्योंकि इस लायक ही नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति पुनर्जन की अब आ गई है। गंधर्मों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प का शरीर जर्जर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने, ये सारी सेना थी उनकी, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर को त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने उसको रोक लिया। अपने प्रयास के विफल होने के कारण वह तेजी से रोने लगा। देखिए क्या स्थिति है, यही स्थिति है कि आग लग रही है माना घर के अंदर, आप निकलना चाह रहे हैं खिड़की को तोड़ के, दरवाजे को तोड़ के, लेकिन दरवाजे खिड़की खुल नहीं रहे हैं और आपका दम अंदर घुटे जा रहा है। एक तरफ से ताप लग रही है, एक तरफ से उसकी गैस से आपका दम घुट रहा है, आप अंदर जोर से रो रहे हैं लेकिन दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और धीरे धीरे उस अग्नि में जल के समाप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति, क्योंकि जीवात्मा अपनी इच्छा से प्राण भी नहीं त्याग सकता है, प्राण त्यागने का भी एक समय है, उसी समय पर प्राण शरीर से निकलेंगे, तब तक वो
कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी बहुत सालों तक परेशान रहता है किसी प्रॉब्लम से, बीमारी से, तब जाकर उसके प्राण छूटते हैं। तो ये व्यक्ति बहुत परेशान है, पुरंजन का ये सर्प या प्राणवायु तो इस शरीर को त्यागना चाह रहा है, लेकिन शत्रुओं ने उसको रोक लिया। हाँ, उस नगरी से भागना चाह रहा है लेकिन शत्रुओं ने उसको रोक लिया। अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह तेजी से रोने लगा। जीवन की अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार रुद्ध हो जाते हैं, जिससे जीव अपने कष्ट को व्यक्त ही नहीं कर पाता है। चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी घुर घुर की आवाज़ सुनते हैं। हाँ, उसको घुर घुर की आवाज़ आती है, आवाज़ भी ठीक से नहीं निकलती है। राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंद माला स्त्रोत में कहा है कि हे कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दो, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए। अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा तो आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा। ऐसा वो सोच रहे हैं। हंस को पानी के भीतर रुपकी मारने तथा कमल नालों के बीच में घुसे रहने में बड़ा आनंद आता है। यह फंसना एक प्रकार का विलास है। कमल नालों के बीच में घुसे रहने में, डुबकी मारने में, यदि हम स्वस्थ रहते हुए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए मरते हैं तो यह परम सौभाग्य है। बुढ़ापे में मृत्यु के समय गला कभी कभी कफ से संध जाता है या हवा से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता। इस तरह मनुष्य कृष्ण को भूल जाता है। निसंदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ है, वे जीवन की किसी भी अवस्था में, विशेष करके जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिल जाती है, हरे कृष्ण मंत्र जपने के अभ्यस्त होते हैं। और हमने ये भी सुना है, हम सुनते हैं शास्त्रों में, इवन गरुड़ पुराण में भी हमने सुनते हैं, ये भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा भक्त है, मैं ही उसको स्मरण करने लगता हूँ, क्योंकि उनका भक्त है, उन्होंने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाया। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि भक्तों के लिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है कि क्या मरते हुए ध्यान में आएंगे भगवान, क्योंकि भक्तों की कोई इच्छा ही नहीं है कि वो मरने के बाद भगवान के धाम में भी जाएं। वास्तव में कहने का मतलब है, यदि भगवान की इच्छा ये है कि वो यहीं पर रहे तो वो फिर यहीं पर रहते हैं। जब भगवान की इच्छा होगी तब वो भगवान के धाम में जाएंगे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था हो जाती है व्यक्ति की, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। अगेन, सारा इन्वेस्टमेंट, अभी यहाँ पे दिवाली हो गया, ऐसे कोई व्यक्ति दिवाली हो जाता है ना, देखा उसकी हालत कैसी होती है, इमोशनली वो समाप्त हो चुका होता है, क्योंकि पूरे जीवन की पूंजी लोग लूट के ले गए, घोटाला हो गया, पैसा लूट गया, सड़क पर आ गया, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाती है। तब राजा पुरंजन अपनी पुत्रों पौत्रों पुत्र वधुओं जामाता नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था उसके विषय में सोचने लगा। यही विचार आते हैं उस वक्त। फिर इंसान के, जो व्यक्ति ने पूरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस नहीं करी होती है, अटैच रहा होता है, उसको फिर ये सारे विचार दिमाग में आते हैं। पुत्रों का क्या होगा, पुत्रियों का क्या होगा, पौत्रों का क्या होगा, पुत्र वधुओं का क्या होगा, जमाता नौकरों का क्या होगा, धन का क्या होगा। बड़ा मोह के कारण ऐसा हो जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद की प्राय देखा गया है कि जिसे देह से बहुत अटैचमेंट होती है वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब कुछ दिन और, डॉक्टर साहब कुछ मोहलत और दे दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर को एकदम से भगवान की दर्जा मिल जाता है, क्योंकि लगता है कि शायद ये हमारे जीवन का कुछ समय बढ़ा सकता है। यदि तथाकथित विज्ञानी ऑक्सीजन तथा अन्य औषधियों के बल से रोगी की आयु कुछ मिनटों के लिए बढ़ा देते हैं तो इसे महान सफलता मानते हैं, यद्यपि रोगी को अंततः मरना ही पड़ता है। यह जीवन संघर्ष कहलाता है। रोगी तथा डॉक्टर मृत्यु के समय जीवन की अवधि बढ़ाने के विषय में सोचते हैं, जबकि पहले से शरीर के सभी अवयव प्राय मृत प्राय हो चुके होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी का इलाज कर दिया, कुछ समय के लिए जीवन बढ़ गया, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी को मृत्यु से बचा पाए। तो ये सोचने का विषय। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था। चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी था। अब उसको लग रहा था कि इन सब को छोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेगी, मुझे अपनों को छोड़ के किसी अनजान जगह में जाना पड़ेगा। हु नोज़ वहाँ पर क्या है, कौन है, उस जगह के बारे में कुछ ना तो सुना है ना पढ़ा है, इसलिए कोई अटैचमेंट ही नहीं उस जगह के बारे में। अनजाने जगह में जाने में हमें हम अक्सर भयभीत हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। किसी जगह पे ऐसे भेज दिया जाएगा आपको, वहाँ जाना है, वहाँ पे जाके प्रचार शुरू करना है, जंगल में, माना एक घोर जंगल में भेज दिया जाए आपको, यहाँ पे जाके प्रचार करना है, गाँव वालों उसको क्या होते हैं कबीले और आदिवासियों के बीच में प्रचार कीजिए,
आप कहेंगे प्रभु जी आदिवासी मुझे पका के खा जाएंगे, डर लगेगा हमें। लेकिन भक्त लोगों को डर नहीं लगता है, भक्त लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाकर बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना कहाँ कहाँ जाके प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर भक्त आदमी आम आदमी को डर लगता है अनजान जगह में जाने में, इसलिए बोला गया कि कहाँ जाना है उसके बारे में जानकारी पहले ले लीजिए ताकि डर ना लगे कि व्यक्ति कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या करेगा तो वहाँ जाएगा, क्या करेगा तो यहाँ जाएगा। ये जब पता होगा तो फिर डर नहीं लगेगा ना। हम एक ट्रेन में भागती हुई ट्रेन में माना हमने पकड़ लिया, हमें माना हमें, या कई बार हम बस पकड़ लिया हमें पता नहीं चला कि ये बस मेरी जगह पे जा रही है कि नहीं, लेकिन मुझे देर हो रही थी तो जो बस आई उसी में चढ़ गए। अब जब तक ये पता नहीं चलता कि ये जा कहाँ रही है, दिमाग में टेंशन रहती है कहाँ कौन सी बस में चढ़ गया हूँ मैं। लेकिन यदि मुझे पता होता है कि मैं कौन सी बस में चढ़ा हूँ कौन सी ट्रेन में चढ़ा हूँ तो हम आराम से सो जाते हैं। मुझे पता है कि सवेरे 5 बजे 6 बजे 7 बजे मेरा स्टेशन आएगा तो उसके पहले का अलार्म लगा लेते हैं और उठ के चले जाते हैं। नहीं तो पूरी रात अगर जिसको पता ही ना हो कि ट्रेन जा कहाँ रही है वो टेंशन में ही रहेगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ या मैं गलत जा रहा हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि इस सफ़र की भी थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो सफ़र हर किसी के जीवन में ज़रूर आएगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, कैसे ट्रेवल करता है, वहाँ पर क्या क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, इसकी प्लानिंग पहले ही करनी पड़ेगी। वो व्यक्ति मूर्ख है जो ट्रेन का टाइम हो गया है, ट्रेन के टाइम में 10 मिनट बचे हैं, अब वो बैग पैक करना शुरू कर रहा है, अब भाग रहा है हवड़ा दबड़ी निकल रहा है तो ट्रेन छूट गई, फिर रो रहा है ट्रेन छूट गई, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। इसलिए हमें इस अंतिम सफर के लिए पहले ही प्लानिंग करनी होगी। लेकिन राजा पुरंजन एकदम से, ऐसा नहीं था कि उसे बताया नहीं गया कि आपकी ट्रेन छूटने वाली है, कल आपकी ट्रेन है आपने पैकिंग कर ली, 3 दिन पहले पूछा आपकी ट्रेन आने वाली है, 3 दिन पहले आपने पैकिंग कर ली, 1 हफ्ते पहले पूछा आपकी ट्रेन है, 1 हफ्ते बाद आपने सारी व्यवस्थाएं कर ली। लेकिन हम इग्नोर करते रहे, क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम बिजी थे किसी काम में। उसी तरह से पुरंजन के जीवन में, हम सबके जीवन में ये नोटिस आता रहता है, अब आप 40 साल के हो गए, अब आप 20 साल के हो गए, ओह मेरा यूथ तो सारा चला गया, अब आप 30 साल के हो गए, ओह ये उम्र भी चली गई, अब आप 40 साल के हो गए। हाँ कितने वास्तव में हमें पता चल रहा है कि वो स्टेशन या वो समय आने वाला है जब ट्रेन जाएगी, तो मुझे उसमें जाना है, जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम उसकी प्लानिंग को पोस्टपोन करते रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ और एंजॉय कर लूँ, थोड़ा सा इधर और एंजॉय कर लूँ, फिर चलते हैं फिर चलते हैं, और एक समय में अंत में अचानक से वो ट्रेन सामने आ जाती है, अब हम अनप्रिपेयर्ड होके उसमें बैठ जाते हैं, उसके बाद तो डरने की बात है ही, फिर तो जो जो होगा वो तो झेलना ही पड़ेगा। पानी की प्यास लगेगी, पानी नहीं मिलेगा, पैसे निकालने लगेंगे तो पैसे ही नहीं है, पैसे रखना भूल गए, जप माला रखना भूल गए, स्वेटर रखना भूल गए, रात को सोते हुए ठंड लग रही है स्वेटर रखा नहीं था, ये सब होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही हमारे उस अंतिम सफर के बाद हमारे साथ होगा, क्योंकि हमने कुछ प्लानिंग नहीं करी पूरे जीवन में कि इस यात्रा को हम कैसे करेंगे। तो राजा पुरंजन इसी में व्यस्त था पूरे जीवन, मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था, चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन तो बन ही चुका था, बड़ा दुखी था। इस श्लोक से स्पष्ट है कि मरते समय भौतिक सुख के विचार कहीं नहीं जाते। हाँ, यह सूचित करता है कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार द्वारा ले जाया जाता है, यानी कि मरने के समय भी व्यक्ति के अंदर डिटैचमेंट पैदा नहीं होती। अगर आपको लगे या हमें लगे कि जब हम मर रहे होंगे तो भक्ति कर लेंगे, उस वक्त बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में अपने आप ही डिटैचमेंट पैदा हो जाएगी, दिस इज नॉट राइट, ऐसा नहीं होता है। इन श्लोकों से पता चलता है कि अंतिम समय में भी वही सारी अटैचमेंट बनी रहती है। अहंकार के कारण जीव अब भी भौतिक सुख भोगना चाहता है, अब भी, और उनको ना भोग पाने से बड़ा दुखी रहता है। वह अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए बौद्धिक योजना बनाता है, और स्थूल शरीर त्यागने पर भी, यानी कि शरीर त्यागने पर भी वह सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है अब मैं इस नए शरीर में, ये घर बड़ा जीर्ण हो गया है, किसी नए घर में चलते हैं, वहाँ जाके कुछ इंजॉय करेंगे पूरे, अब इसको तो कितना पेंट करें, जहाँ से पेंट करते हैं यहाँ सीलन आ जाती है, वहाँ से झड़ने लगता है, किसी दूसरे घर में चलते हैं जहाँ एकदम नए तरीके से बनाया होगा, लेकिन वो घर भी कुछ साल बाद फिर से वैसे जीर्ण होने लगता है, इसलिए वो घर ही बदलता रहता है या शरीर बदलता रहता है। सूक्ष्म शरीर का देहांतरण इन आँखों से नहीं देखा दिखता। सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि अहंकार जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो दिखता नहीं है किसी को, पता नहीं चलता ना किसी को। अतः जब मनुष्य देह छोड़ता है तो हम सोचते हैं कि वो मर गया, जैसे माँ के गर्भ में यह आत्मा एंटर करती है ना सूक्ष्म शरीर के साथ, लेकिन किसी को पता थोड़ी चलता है कि आत्मा ने कब एंटर किया,
तो हम सोचते हैं कि वो मर गया, सूक्ष्म शरीर भौतिक सुख की योजनाएं बनाता है, स्थूल शरीर तो उसको भोगने का साधन है, इंस्ट्रूमेंट है इस मन की इच्छाओं को पूरा करने का। इस प्रकार इस स्थूल देह की उपमा पत्नी से दी जा सकती है, क्योंकि पत्नी ही वह साधन है जो इंद्रिय तृप्ति की सारी सामग्री को प्रस्तुत करती है। व्यक्ति घर बनाता है, उसमें उसकी यही इच्छा होती है जब वो आए तो उसके सामने बहुत सारी वस्तुएं रखी हों, खाने की, पीने की, सोने की अच्छी व्यवस्था हो, इंद्रिय तृप्ति की सारी व्यवस्था हो। तो उसके लिए हम लोग विवाह करते हैं, हर व्यक्ति यही सोच के विवाह करता है कि कैसे अब लाइफ थोड़ी बढ़िया हो जाएगी, नाउ वी विल एंजॉय टुगेदर, मेरी अंदर कुछ कमियां होंगी तो मेरे पास समय कम होगा तो तुम उसकी व्यवस्था कर देना, तुम्हारे पास धन नहीं है मैं धन लाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है तो तुम पैकिंग करना, हम कहीं घूमेंगे फिरेंगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला के खा के देना, शाम को मिलकर दोनों खाएंगे और दोनों इस प्रकार जीवन इंजॉय करते करते बिता देंगे। तो पत्नी वह साधन है जो इंद्रिय तृप्ति की सारी सामग्री को प्रस्तुत करती है, स्थूल शरीर से दीर्घकालीन संगति के कारण जीव को इससे बिछुड़ते हुए बड़ा दुख होता है। जीव की मानसिक क्रियाशीलता उसे दूसरा शरीर स्थूल शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देती है, और ये इच्छाएं हमें एक और शरीर देने के लिए मजबूर करती है। स्त्री संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विस्तार, स्त्री के माध्यम से मनुष्य विस्तार करता है, अपना हर कोई विस्तार करना चाहता है। अगेन क्योंकि हम कृष्ण के अंश है ना, तो कृष्ण जैसे ही हमारी चेतना हमारी लक्षण है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम बहुत ही छोटे हैं, माइनूट हैं, हम नकल नहीं मान सकते, हम उनकी सेवा कर सकते हैं, हम कृष्ण के जैसे ही विस्तार करना चाहते हैं। जैसे कृष्ण अपने विस्तार कर लेते हैं, हम भी पत्नी, रिश्तेदार, बच्चों के माध्यम से अपना विस्तार करते हैं। मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति जो अनुराग होता है वह प्रकट होता है, या देखा जाता है कि मृत्यु के समय निकट मनुष्य अपने प्रिय पुत्र को बुलाकर उस पर अपनी पत्नी तथा अन्य सास समान की रक्षा का भार डाल देता है, कहता है मेरे बेटे मैं जाने को बाध्य हूँ, तुम परिवार की देखभाल करना। वह अपने गंतव्य को न जानते हुए भी इस प्रकार कहता है, अपनी हालत जबरदस्त खराब है, क्या पता कीड़े के शरीर में जाने वाला है या जानवर, कौन सा जानवर बनने वाला है, लेकिन वो कहता है कि बेटे तुम इसका ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, जिसका भी आप ध्यान रखोगे वो भी एक दिन इसी स्थिति में आएगा। तो ध्यान रखकर भी हम किसी का ध्यान रख नहीं सकते हैं वास्तव में, हम यही ध्यान रख सकते हैं कि कैसे हर व्यक्ति अपनी रियल पोजीशन में आ पाए और अल्टीमेटली भगवान के धाम पे जा पाए, यही है असली ध्यान रखना। जैसा कि कपिल मुनि ने माता देवहूति का ध्यान रखा अपने पिता के जाने के बाद, कर्दम मुनि के जाने के बाद कपिल मुनि ने अपनी देवहूति माता का ध्यान इतना ही रखा कि उन्होंने उनके सामने सांख्य दर्शन, भक्ति योग सब कुछ प्रस्तुत कर दिया, और देवहूति माता जब इसमें निपुण हो गई तब कपिल मुनि छोड़ के चले गए अपनी माता को, और देवहूति अकेले वहां पे प्रैक्टिस करने लगी भक्ति योग की। सोचिए, तो ध्यान रखने को बोला गया था, ध्यान रखना चाहिए था अपनी माता का, वैसे ही कर्दम मुनि को भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वास्तव में हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ समय पहले कि हर व्यक्ति को अपना ये जो यात्रा है वो अकेले ही करनी पड़ती है। हाँ, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम यात्राएं एक साथ करें, परिवार एक साथ जाए, कोशिश करते हैं ना कि सब एक साथ चलें, लेकिन अब क्या है ये समस्या, ये है कि ये यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है हर व्यक्ति को, इसलिए उसको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि पिताजी ने बहुत कुछ कर रखा है तो मेरा काम हो गया, पिताजी ने अपना बैग कर लिया तो क्या आपका बैग पैक हो जाएगा, नहीं। उसी तरह से हर किसी को अपनी तैयारी करनी है तभी वो इस यात्रा को में से अदरवाइज वो इसी हालत में रहेगा जो हम यहाँ सुन रहे हैं कि राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान हो जाएगी, कैसे संभालेगी, चुन्नू को मुन्नू को इधर से उसको पढ़ाने लगेगी, उधर से उसका डाइपर लीक कर रहा होगा, उधर से उसको बुखार आ जाएगा तिन्नू को, और चुन्नू को उधर से बुखार हो जाएगा, उधर से उसका होमवर्क रह जाएगा, उधर से उसका ये रह जाएगा, कैसे संभालेगी, अभी तक तो मैं था साथ में मदद करता था, अभी भी उसकी चिंता इसी मैटर पे है कि मेरा जो विस्तार है इसकी रक्षा कैसे होगी। वो भूल जाता है कि वास्तव में रक्षक भगवान है, और वही रक्षक कर रहे थे, ये सब तो एक प्ले था, इस प्ले के अंदर आपको कुछ रोल निभाना था, उस रोल को निभाना हम भूल गए, हम कुछ अपने ही डायलॉग बनाने लगे, कहानी को बदल के रख दिया, पूरी कहानी बदल दी, यहाँ परमानेंट घर बना लिया, जो टेम्परेरी हमें स्टेज मिला था
हाँ प्ले करने का, शूटिंग करने का, जो हमें हमारे सामने सेट बना था उस सेट को उसके उसके अंदर टेम्परेरी घर बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, देखा होगा ना, टेम्परेरी घर बनाए जाते हैं, ऐसा लगता है वो रियल घर है। किसी व्यक्ति ने क्या किया, इसका मतलब उस टेम्परेरी घर के अंदर घेरा बना लिया, मतलब उसको कब्जा कर लिया, मैं ये तो नहीं जाऊंगा यहाँ से, ये तो मेरा यही घर है। अब वो तो टेम्परेरी घर है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं कैसे हो पाएंगी, वहाँ पानी बिजली हर चीज़ टेम्परेरी कुछ अरेंज करी गई थी, अब तो नहीं मिलेगा। तो यही सोचकर वो इस टेम्परेरी जगह को अपना रियल घर समझ लेता है, इस स्टेज को, इस प्ले को, इस सेट को अपना रियल संसार समझ लेता है, इसलिए उस कहानी को बदल के रख देता है, जो भगवान ने कहानी लिखी थी उस कहानी को बदल के रख देता है। और इस प्रकार से जाते हुए भी वो ये सोचता है कि क्या होगा मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो किस प्रकार परिवार के सदस्यों का पालन करेगी। हाय, वे परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। यही सोच के हम सोचते हैं इतना सारा इकट्ठा करके जाएंगे, अपने बच्चों को दे के जाएंगे, ये पॉलिसी ले लेंगे, वो पॉलिसी ले लेंगे, बहुत कुछ ऐसे विचारों में पूरा जीवन इन्हीं विचारों में बीत जाता है। इट्स नो प्रॉब्लम कि आप लोग प्लानिंग करें घर परिवार के लिए, लेकिन बात यह है कि ऐसी प्लानिंग तो ना करें कि रियल प्लानिंग को ही भूल जाएं और इसी प्लानिंग में रह जाएं। क्योंकि हम संसार में आए हैं, हम गृहस्थ आश्रम में, तो हमें ये रोल भी निभाना है, क्योंकि भगवान हमें इसी से प्रसन्न होंगे, कैसे हम आश्रम में रहते हुए आश्रम की जिम्मेदारी निभाते हुए भक्ति करें, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, जब हम इसकी प्लानिंग में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम रियल प्लानिंग को भूल जाते हैं, कि मेरी भी तो यात्रा है, इनकी भी, सबकी अलग अलग यात्राएं हैं, अभी तो हम एक साथ हैं, तब क्या होगा, तब कौन संभालेगा जब हम अलग अलग जा रहे होंगे। तो यही सोच रहता है सब परिवार के सदस्यों का क्या होगा, हाय कैसे ये घर को चलाएंगे, मैं ही तो चला रहा था। सुनते हैं श्रीधर स्वामी जब वो संन्यास लेने का प्रयास कर रहे थे, तब तब उनके सामने एक घटना घटी थी कि छिपकली ने एक बच्चे को पैदा किया, छिपकली का बच्चा दीवार से टपक के नीचे गिर गया, और वो सोचने लगे ओ इस बच्चे का क्या होगा, है तो माँ से गिर गया, दीवार से नीचे गिर गया, जरा सा पैदा ही तो हुआ है। अब देखिए इतना छोटा सा बच्चा जो पैदा होगा वो कीड़ों को खा पाएगा क्या, जैसे चिड़ियाओं के मुंह में दाने डालती है चिड़िया जब वो बच्चा होता है, अब यही स्थिति यहाँ पे थी। अब ये छिपकली का बच्चा नीचे गिर गया, कैसे ये जिंदा रहेगा, अब क्या मतलब कैसे ही खाएगा, छिपकली तो धीरे 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 चल के जाती है, देखा आपने, और फट से मुंह जीव निकालती है और खा जाती है, ये कैसे करेगा, तो मर ही जाएगा थोड़ी देर में। वो क्या देखते हैं, आए हैरानी होती है उन्हें देख के कि छोटा सा कीड़ा अपने आप धीरे 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 चलता हुआ उसी छिपकली के आगे से जाता है अपने धुन में मस्त, और वो छिपकली का बच्चा अपने आप उस भोजन को झट से खा लेती है। तब उन्हें समझ में आता है कि अल्टीमेटली कृष्ण ही सबका भोजन प्रोवाइड करते हैं, और वो तुरंत डिसाइड करते हैं नो प्रॉब्लम इन टेकिंग संन्यास, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम आराम के लिए संन्यास नहीं ले रहे हैं, हम सेवा के लिए संन्यास ले रहे हैं, तो सब योगक्षेमम वाहम्यम एनी वे कृष्णा इज गिविंग राइट नाउ ऑल्सो, तो तब क्यों नहीं देंगे। लेकिन पुरंजन को ये ज्ञान नहीं था, तो बड़ा चिंतित हो गया, अपने पत्नी के विषय में इतने सारे विचार ये सूचित करते हैं कि राजा स्त्री के लिए विचार में कितना निमग्न था। सामान्यतः पति परायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है, इससे पति अपने पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है और मृत्यु के समय अपने पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है, ये बड़ी घातक स्थिति है। हाँ, बुरी पत्नी होना भी घातक स्थिति है और अच्छी पत्नी होना भी घातक स्थिति है, या पति को इसको उल्टा कर लीजिए, अच्छा पति होना या बुरा पति होना। जब पति या पत्नी वफादार नहीं होते हैं तो सांसारिक दिमाग में कष्ट आते हैं बहुत सारे, सोच सोच के वो एक कष्ट अपने आप का ही कष्ट है, और जब वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा सेवक होते हैं तब उनको प्राण त्यागते हुए बड़ी अटैचमेंट डेवलप होती है, क्या करें, दोनों ही स्थितियाँ एक्चुअली में प्रॉब्लम है। यदि मृत्यु के समय कृष्ण के बजाय कोई अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो निश्चय ही भगवान के धाम नहीं जा सकता, अभी तो उसे स्त्री का शरीर धारण करके नया जीवन अध्याय प्रारंभ करना पड़ता है। इसीलिए शिला प्रपाद ने के पिताजी ने गौर मोहन डे ने अपने पुत्र अभय को ये बोला कि बेटे तू अपनी शादी से खुश नहीं है, आई नो ये आपकी पत्नी जो है बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, आपकी बात नहीं मान रही है, सुन नहीं रही है, सेवा नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है किसी भी तरीके से, बट आई थिंक यू शुड कंटिन्यू दिस मैरिज, आपको इस मैरिज में रहना चाहिए, क्योंकि
इससे आपके प्रति, आपके हृदय में परिवार के प्रति कम से कम अटैचमेंट तो नहीं रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए परिवार के प्रति, हाँ, बट डिटैच होकर पूरा कीजिए। इस प्रकार से शिला प्रपात को उनके पिताजी ने कहा, एंड देन ही डिसाइडेड कि ओके मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। जबकि उनकी पत्नी, आप जानते हैं किस प्रकार से उनकी सारी मेहनत को पानी में मिला देती थी, कोई कॉपरेशन नहीं करती थी कई वस्तु कई जगहों पर। तो राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं नहीं खा लेता था, हाँ, वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था, वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह किसी कभी उसे झिड़क भी देता था तो उस पर नाराज हो जाता था, तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। अब ये जो चीज़ें हैं ये उसको ध्यान में आ रही हैं, कितनी वफादारी थी, कितना प्रेम था। हाँ देखिए, अब इसका कोई तोड़ नहीं है इस संसार में। इस प्रेम, अगर कोई व्यक्ति इतना सेवा करने लग जाए तो उससे ऐसी अटैचमेंट हो जाती है। इसका एक ही तोड़ है कि एक और जगह पर अटैचमेंट पैदा की जाए। आपने देखा ना कि कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति का किसी और से प्रेम संबंध बन जाता है, तब घर वाली पत्नी उसका बहुत सेवा कर रही है, बहुत सेवा कर रही है, लेकिन क्योंकि उसकी अटैचमेंट कहीं और बन चुकी है, वो उस सेवा से कर रही है, मैं क्या करूँ। इतनी सेवा करने पर भी उसका हृदय पसीसता नहीं है, हाँ, ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये करना तो पाप है, लेकिन भगवान के प्रति ऐसी अटैचमेंट यदि हम डेवलप कर लें तो संसार में कोई बहुत ज़्यादा सेवा भी कर रहा होगा ना, तो आप इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो जाओगे उससे, यू नो कि व्हाट इज़ द रियल, कहाँ पे रियल प्लेस है। और अफेक्शनेट रहोगे हर किसी के प्रति, हर किसी की सेवा करने के लिए तत्पर रहोगे, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल नो कि हमारी जो प्रेम का आधार है वो कृष्ण ही है, हमारे जो रियल रिश्ते हैं वो भगवान के धाम में ही बन सकते हैं, जो कि परमानेंट लेवल पर बनते हैं। तो ये सोचता है, तो एक और जगह यानी कि कृष्ण से अटैचमेंट अगर पैदा की जाए तभी इस संसारिक अटैचमेंट को हम त्याग पाएंगे। पत्नी अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहती है, विनम्रता सदाचार तथा सेवा भाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। हाँ, कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति कोई नियम लेना चाहता है, हमने देखा बहुत बार, वो कहता है जी मैं सवेरे 3 बजे उठूंगा, पत्नी कहती नहीं 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 कमजोर पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, नहीं 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 मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। बड़े प्यार से पुचकारती है और बड़े सलीके से तरीके से उसको फंसा लेती है और वो उठ नहीं पाता है। वो सवेरे उठने का कोशिश करता है, नहीं ना सो जाओ थोड़ी देर, कोई बात नहीं, बस आदमी इतनी मुश्किल से तो उठ ही रहा होता है, थोड़ी सी देर कोई ऐसा बोल देना, अच्छा 5 मिनट अच्छा 10 मिनट बस खत्म, उसके बाद सीधा 1 घंटा 2 घंटा गया, फिर नींद खुली देगा, ओह ये क्या हो गया, 5 बज गए, आरती की आवाज़ आ रही है, क्लास की आवाज़ आ रही है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो लाग लपेट है इससे मनुष्य को बचना, चाहे पति का हो चाहे पत्नी का हो, दोनों इसको इस तरह से लें। एक व्यक्ति ने सोचा मैं इतना ही खाऊंगा, मेरा आहार हमने माना प्रॉपरली डिस्कस कर लिया, प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि हम भूखे मरने लगे, लेकिन पत्नी अक्सर कहेगी 1 परांठा और 2 परांठे और, वो इतने प्यार से देंगे कि हमें चले यार प्यार से दे रही है, खा लेते हैं। अक्सर आपके सामने आपके प्यार करने वाले ऐसी चीज़ लेंगे, इतना सा खा लो ना, क्या फर्क पड़ेगा, इतना सा खा लो ना। तो इस तरीके से पारिवारिक मोह में, अटैचमेंट में, हम अपने नियम तोड़ देते हैं, हम रिलैक्स कर जाते हैं, उससे हमारा नुकसान होता है, चाहे पति पत्नी बच्चा कोई भी हो सकता है इसमें, इट्स नॉट कि पत्नी ही ऐसा करती है। तो पारिवारिक जीवन में पति पत्नी, पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना जो है आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़नी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे के अनुरक्त हैं तो वे एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसी हमारी दायित्व बनना चाहिए कि हम किसी को कमजोर ना करें अपने पार्टनर को। हम नहीं कर पा रहे हैं, डोंट वरी, क्योंकि मैं नहीं उठ पाती हूँ इसलिए मुझे ग्लानी होती है, तो तुम भी मत उठो, तुम भी सोए रहो ना, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। उस कांग्रीगेशन में तो मैंने नहीं देखा ऐसा, वहां पे भी मैंने नहीं देखा ऐसा, यहीं पर ही आप बताइए सो जाओ। पति कहता है जी मैं सिंपल कपड़े पहनूंगा, नहीं नहीं मेरा पति तो बढ़िया लगना चाहिए ना, ऐसा क्यों। पति कहता है जी बाल छोटे रखूंगा, ना 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 बिल्कुल नहीं, नहीं बाल छोटे कैसे रख सकते आप। ऐसी बहुत सारी चीजें, या बच्चे कहेंगे, हमारे बच्चे कहते हैं मैं बाल छोटे को माओं का दिल, ऐसा लगता है कि माओं के दिल को कद्दूकस में छिल दिया हो जब उनके बाल काटे जाते हैं। तो ऐसा होता था हमारे साथ, अब तो लोग काफ़ी इस बात को मान गए कि कुछ चलेगा नहीं यहाँ पर। जब शुरू शुरू में हम बाल काटने शुरू किए तो उन्हें ऐसा लगा कि
जैसे माओं का दिलों को कद्दूकस में घिस दिया हो और सवेरे उन्हें उठाना शुरू किया, 3:30 बजे मर जाएगा मेरा बच्चा, छुप छुप के उसको घर में रखने लगी कि नहीं नहीं आज वो बीमार है, आज वो ये है, वहाँ तो मर ही जाएगा, इतना सवेरे उठाएंगे कैसे जिएगा। तो ये सब जो है ना, ये ममता, ये पारिवारिक जीवन में बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कितना प्रेम है, कितना प्यार करते हैं मेरे को, लेकिन ध्यान रखिए ये हमें स्पॉइल कर देती हैं चीज़ें, हमारे जो तप करने का जो बल है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहे आप पत्नी हैं, चाहे बच्चा हैं, चाहे पति हैं, सबको इसको ध्यान रखना है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। क्यों खींचा जाए, मेरे से नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, मैं 6 बजे ही उठ सकती हूँ, ओके, मुझे मत रोकिए प्लीज़, कम से कम मुझे 4 बार खाने का मन करता है, ओके, बट मैं 2 ही बार खाऊंगा, मुझे मत रोकिए, चाहे वो कोई भी हो। क्यों हम दूसरे को भी खींच रहे हैं अपने साथ, क्योंकि कृष्ण ही उसके अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अन्यथा यदि पति तथा और पत्नी के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक अनुरक्त रहता है तो अगले जन्म में स्त्री बनता है। इसी प्रकार पति पर अत्यधिक अनुरक्त होने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना पड़ता है। और कई स्त्रियां सोचेंगे, अरे वाह, अगली लाइफ में पुरुष बनेंगे, जब बन जाएंगे तब समझ में आएगा, जब डंडे पड़ेंगे पुरुष बनने के बाद। अभी तो लगता है ना कि पुरुषों को लगता है कि स्त्रियों के कितने मजे हैं, मैं पूरे दिन नौकरी करता हूँ, ये पूरे दिन जॉब कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है, जब बन जाएंगे तो समझ में आएगा कि मैं तो कुछ आज़ादी नहीं है कुछ भी करने की, हर चीज़ के लिए हाथ फैलाओ, कुछ करने लगो तो मना कर दिया जाता है, मैं अकेली यात्रा में नहीं जा सकती, ये तो चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। जब बन जाएंगे तब समझ में आएगा कि पुरुष के जीवन में अपनी एक अलग समस्याएं हैं। हाँ, पुरुष का किसी को प्रति समर्पण करना कितना मुश्किल है, स्त्रियां समर्पण जल्दी कर देती हैं, हमारी ईगो जो है उसको समर्पण ही नहीं करने देती है। पुरुष ईगो, मेल ईगो कंट्रोलिंग एंटिटी, इंजॉइंग टेंडेंसी, ये सारी पुरुषों में पाई जाती हैं ज़्यादा अधिक मात्रा में, तो उसमें भी समस्या है। निसंदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, किंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं है। कम से कम पुरुष बनने में एक चीज़ तो लाभ मिलता है, यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, कि कुछ चीज़ों में तो, जैसे कि किसी की शादी अगर हो गई, हम देखते हैं अक्सर, अगर किसी पुरुष की शादी किसी नॉन डिवोटी लड़की से हुई तो देर इज़ ए चांस कि वो अपने आप को बचा ले, लेकिन अगर एक स्त्री की शादी किसी नॉन डिवोटी से हो जाए तो उसको बचाना तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को। वो परिवार में, नए परिवार में अकेली लड़की कुछ नहीं कर पाती है, ऐसी कई समस्याएं हैं। तो एनीवे, दोनों ही स्थितियां समस्याओं की हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को सोने की रस्सी से बांध दो, किसी को लोहे की रस्सी से बांध दो, अल्टीमेटली वो बंधा ही हुआ है। राजा पुरंजन सोचता था कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर वो कितनी दुखी होती थी, कितना प्रेम था। यदि वे अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता है तो भी राजा को डर है कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। ग्रेटफुलनेस, हाँ, ये भी एक समस्या, एक कमजोरी है। आप जानते हैं ग्रेटफुलनेस की हम हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन यही ग्रेटफुलनेस हमें बर्बाद भी करती है, क्योंकि कई बार हम हर छोटी, इतने ग्रेटफुल हो जाते हैं। देखो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेटफुलनेस भी शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए, शास्त्रों के आधार पर, अदरवाइज ग्रेटफुल नहीं होनी चाहिए। हम ग्रेटफुलनेस को, कृतज्ञता को, अटैचमेंट को डेवलप करते हैं। कुछ अटैचमेंट, कुछ ग्रेटफुलनेस अच्छी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं, ये समझने की बात है। कई बार हम ग्रेटफुलनेस के चक्कर में इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं, जैसे कि कई बार परिवार में क्या होता है कि परिवार के सदस्य ही हमें भक्ति करने से रोकते हैं। और हमने कई संतानों को देखा है, वो कहते हैं मेरी माँ ने मुझे पेट काट काट के, हाँ पिक्चरों में नहीं दिखाते थे, मैं तुझे सिलाई कर करके एक एक पैसा जोड़ा, तेरी पढ़ाई कराई, और आज तू मेरे चक्कर में ये हरे कृष्णा वालों की बात सुनेगा, तो आदमी का हृदय एकदम से विदीर्ण हो जाता है, टूट जाता है, रोने लगता है, कहता नहीं माँ, माँ को नहीं छोड़ूंगा, माँ कसम, माँ को नहीं छोड़ूंगा, पिताजी नहीं छोड़ूंगा। तो कई बार ये जो ग्रेटफुलनेस है ये समस्या बन जाती है हमारे लिए, ध्यान रखिए। इसलिए दिस इज वेरी गुड, अगर आपके अंदर ग्रेटफुलनेस है तो आपको रियली में सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज बेनिफिशियल, हाँ, उनके लिए जिनसे आपको प्रेम है, माना है भी अगर, तो क्या बेनिफिशियल है कि किसी तरह से हर जीवात्मा को भक्ति में लगाया जाए। अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रेटफुलनेस, ऐसे प्यार का क्या फायदा कि माँ मक्खन खिला खिला के बच्चे को कोलेस्ट्रॉल कर दे, फायदा उसका? तो उसी तरह से आपने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए क्लब महिंद्रा में रिजॉर्ट बुक कर दिए, फिर वहाँ कर दिए, आप जाइए एंजॉय कीजिए, अरे बुढ़ापे में तो कम से कम कुछ नाम कर लेते। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर हमें ग्रेटफुलनेस भी है अपने परिवार के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमारी मदद करी है, उसको आप कैसे चुकाएंगे कृष्ण भक्ति में जोड़कर उसको। यही आपका असली जो है कर्ज होगा, दूध का कर्ज। दूध का कर्ज ये नहीं है कि कर्ण अर्जुन आएंगे और उसको विलेन को मारेंगे। दूध का कर्ज यह है कि दूध देने वाली से हम माला कराएंगे, पिताजी से माला कराएंगे, किसी तरह से भक्ति में जोड़ेंगे। ये है असली ग्रेटफुलनेस वास्तव में। लेकिन ऐसी ग्रेटफुलनेस जो हमें भक्ति के मार्ग से ही हटा दे, उसका कोई लाभ नहीं है, वो यूजलेस है, वो एक मोह है वास्तव में, मोह, वो सही अटैचमेंट नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा। किसी समय आने पर आप किसी दिन बहुत बीमार थे, हाँ, तो अचानक से आपको बड़ी आवश्यकता थी, वहाँ से कोई चोर उचक्का गुजर रहा था, चोर उचक्के ने आपकी मदद कर दी, एक दो दिन आपने घर में रखा, आपको ठीक कर दिया, अब आप चोर उचक्के के लिए बड़े फेवरेबल हो गए, ग्रेटिट्यूड हो गया। चोर उचक्के ने कहा भैया उस घर की घर में एक बार एंट्री करा दे किसी तरह से, ताकि वहाँ पे मैं देख लूँ कहाँ पे कौन सा सामान रखा है। आप उस चोर को अपने साथ ले गए, क्योंकि आप एक सभ्य व्यक्ति थे, चोर ने सब कुछ देख लिया, अगले दिन वहाँ चोरी कर दी, तो आपने कहा मैंने अपना फर्ज निभा दिया, उस चोर ने मेरे जीवन में मदद करी थी, मैंने उसकी मदद कर दी। तो दिस इज यूजलेस। संसारिक मदद इसी प्रकार से है, क्योंकि हम सब चोरी हैं, कृष्ण की संपत्ति को चोर के बैठे हुए हैं, तो इसलिए एक दूसरे की जो मदद है सो कॉल्ड, यदि वो कृष्ण भावना पे तो आधारित नहीं है, तो वो चोरी ही है, हम चोरी करने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो यही सब राजा सोच रहा था पुरंजन, कि पत्नी कितनी अच्छी सलाह देती थी, कैसे मेरी मदद करती थी, खाने में पीने में कितना मुझे उसका मेरे प्रति कितना प्रेम था, अब मेरे बिना वो इसको कैसे करेगी, ये चिंता उसके मन में सता रही है। मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था, यह दूषित चेतना है, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में बताया, इस बद्ध जगत में जितने जीव हैं मेरे शाश्वत अंश हैं। वंडरफुल लाइन, ममे वांछो जीवलोके जीव भूता सनातन, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरी लाइन बताते हैं समस्या क्या है, बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे हुए हैं। कौन से श्रम में? हाउ टू एंजॉय। इसलिए वो बड़े क्या हैं? बड़े दुखी हैं, श्रम में लगे हुए हैं। जीव आखिर परमेश्वर कृष्ण का ही अंश है गुणात्मक रूप से, कृष्ण तथा जीव, जीवन की स्वाभाविक स्थितियां एक सी हैं। अंतर केवल इतना है कि जीवात्मा परमात्मा का बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म कण है, अंश है। इस बद्ध जीवन के संसार में परमात्मा का अंश या जीवात्मा अपने दूषित मन तथा चेतना के कारण संघर्ष में लग्न है। परमेश्वर का अंश होने से यह आशा की जाती है कि जीवात्मा कृष्ण के विषय में सोचेगा, उनकी सेवा करेगा, लेकिन वो स्त्री के विषय में सोच रहा है। ऐसी मानसिक व्यवस्था के कारण ही जीव को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोचता रहता है रहा, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। उसे अपनी पत्नी के ही विचार में लीन रहने के कारण अगले जन्म में एक शरीर धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, छद्म धार्मिक, राष्ट्रीय, जातीय भावों में मन को लीन रखना ही बंधन का कारण है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ेगा। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में की गई है। यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलेंगे, तो जो कुछ भी हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय कल्याण के नाम पर करते हैं, वो सब व्यर्थ है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे बंधन क्रिएट होगा। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया कि मना षष्ठानी इंद्रियाणी, जब तक मन इंद्रियां भौतिक कार्यों में लगी रहती हैं, तब तक जीवन संघर्ष चलता रहेगा। प्रत्येक जीवन में मनुष्य सुखी रहने के लिए संघर्ष करता है, और वास्तव में संसार में कोई सुखी हो ही नहीं पाता है। मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है, और जब इसका परिश्रम का फल मिलता है, तो स्वयं को सुखी महसूस करता है। इस संसार में कोई यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है, उसका तो बोध ही नहीं है। वास्तविक सुख का बोध तो दिव्य इंद्रियों द्वारा ही किया जा सकता है, किंतु जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता, दिव्य इंद्रियां प्रकट ही नहीं होती है। अतः इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मनुष्य को कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी वास्तविक सुख मिलेगा, मुक्ति प्राप्त होगी, तभी समझ में आएगा। अभी क्या समझ में आएगा कि आलू का परांठा इतना बढ़िया होता है, क्योंकि आज तक खाया ही नहीं था, सूखी रोटी खाई थी, जब आलू का परांठा खाएगा, अरे वाह। उसी तरह से जब दिव्य सुख को भोगेगा, जो कृष्ण भक्ति से बाद में मिलता है, तब पता चलेगा अब तक जो मैं कर रहा था वो सब बेकार था।
और जिस प्रकार वायु गंध को वहन करती है उसी प्रकार जीव संसार में जीवन संबंधी विविध विचारों को ढोता है, अगले जीवन में ले जाता है। यदि वायु किसी गुलाब के बगीचे से होकर बहती है तो गुलाब के सुगंध ग्रहण करती है, गंदे स्थान से होकर बहती है तो गंदे स्थान को ले, गंदे दुर्गंध को ले जाती है। इसी प्रकार जीव स्वरूप राजा पुरंजन अपनी प्राणवायु को गंध की तरह अपनी पत्नी पर प्रभावित करता है, इसलिए उसे अगले जीवन में एक और शरीर मिलेगा। लेकिन वो कौन सा शरीर मिलेगा इसको जानने के लिए हमें एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। क्या वो किसी जानवर का शरीर होगा या किसी गंधर्व का शरीर होगा, इसके जानने के लिए हम श्रीमद् भागवतम का फिर से श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।